दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान करने वाले शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शाहरुख पर अब तक तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। शाहरुख कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है और चेकिंग के दौरान थाना टीला मोड़ पुलिस और स्वाट टीम को ये जानकारी मिली थी कि इस इलाके में शाहरुख नाम का बदमाश घूम रहा है, जो कि दिल्ली एनसीआर में कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है। शाहरुख नाम का ये बदमाश इतना शातिर है कि लूट के दौरान विरोध करने पर गोली तक चला देता है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आज थाना लोनी और स्वाट देहात टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी सिकरानी चिरौड़ी मार्ग पर। उसी दौरान एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, अपनी मोटरसाइकिल को काफ़ी तेजी से मोड़ करके भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा जब उसकी चारों तरफ से घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम शाहरुख बताया।